अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इंफॉर्मेटिव टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। HSC ने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट का ऐलान किया है, जिसमें मुल्क भर से अप्लाई किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस टेस्ट की सारी डिटेल, उनका एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहीं से स्किप ना करें। ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। Who can apply for undergraduate study admission test? Students who have passed the higher secondary school certificate or equivalent grade 12 education. ऐसे students जिन्होंने FSC, FA या ICS किया, वो इसमें apply कर सकते हैं। Students who have appeared in the final examination and are awaiting results. ऐसे students जो result का wait कर रहे हैं, वो भी इसमें apply कर सकते हैं। इसके बाद ये marks distribution है। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन के टोटल 75 मार्क्स हैं और पार्ट टू के 25। पार्ट वन में 75 MCQs होंगे और इसके लिए जो टाइम है वो 100 मिनट्स होंगे। इसमें वर्बल रीजनिंग के 35 MCQs होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 MCQs होंगे। पार्ट टू के लिए जो टाइम है वो 40 मिनट्स होंगे। यह है एसे राइटिंग स्किल्स। इसमें आपको 400 से 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, जो इंग्लिश में होगा या उर्दू में। यह पर्पस टेस्ट शेड्यूल है और रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, यह आप खुद पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई फॉर USAT। इसके लिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद लिखा है कि ये इसके दो स्टेप्स हैं, माई प्रोफाइल सेक्शन एंड एप्लीकेशन सबमिशन। इसके बाद ये लिखा है कि जो एप्लीकेशन सबमिटेड होंगी वही कंसीडर की जाएंगी USAT टेस्ट के लिए। जो एप्लीकेशन सेव या इनकम्प्लीट मोड में होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद ये लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए जो फीस है वो 1200 पर कैंडिडेट है और कैंडिडेट्स इसको हबीब बैंक लिमिटेड में जमा करवाएंगे। ये उनका अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर का टाइटल है हायर एजुकेशन कमीशन। और ये जो आप फीस जमा करवाएंगे उसकी एक कॉपी आपने, ये एड्रेस है मेंबर हाउस HEC सेक्टर H8, इस पे आपने भेजनी है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से पहले। इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 30 अगस्त और इसके टेस्ट की डेट है 12 सितंबर। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बैंक जाना है, उधर से डिपॉजिट स्लिप लेनी है, वहाँ पे जो अकाउंट नंबर उनका दिया है वो लिखना है। तो आपने उधर 1200 फीस जमा करवानी है तो वो आपको एक स्लिप देंगे, उस पर आपका चालान नंबर भी लिखा होगा। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ये आपके सामने आएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर CNIC और पासवर्ड लगाएंगे और साइन इन करेंगे। हम इधर से साइन अप करते हैं, इधर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, CNIC, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और यहां से प्राइमरी सेल फोन कंट्री, प्राइमरी सेल फोन नंबर, प्राइमरी ईमेल और साइन अप करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद मैंने लॉगिन किया तो ये मेरे सामने आ गया, अप्लाई फॉर लार्ज एडमिशन टेस्ट और अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे नेम, ईमेल और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, फादर, फादर नेम, फादर CNIC। के बाद ये पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन है, मेलिंग, कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस। उसके बाद है नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन। इसमें आप यहाँ से, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ से आईडी कार्ड करेंगे, वरना आप बेफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये सारा डाटा इंटर करके नेक्स्ट करेंगे। मैं सारा डाटा इंटर करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आ गया एप्लीकेशन फॉर्म।
यहाँ पे टेस्ट नेम, यहाँ से लार्ज एडमिशन टेस्ट के लिए करना है या अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट। इसके बाद टेस्ट टाइप USAT, इसके बाद प्रेफर टेस्ट सिटी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बैंक नेम, इसके बाद डिपॉजिट ट्रांसलेशन डेट, इसके बाद चालान नंबर, इसके बाद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल लेवल, कंट्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सिटी, प्रोग्राम, डिग्री नेम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड, एक्शन। ये सब आपने इंटर करके यहाँ से सबमिट करना। मैं इधर से सबमिट कर रहा हूँ, तो ये आ गया, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आ गया सबमिटेड एप्लीकेशन वन। तो ये एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन टाइप, डेट और स्टेटस आ गया सबमिटेड। अब आपने क्या करना है, जो आपने फीस सबमिट की है उसकी जो स्लिप है वो आपने उनके एड्रेस पे भेजनी है। तो ये हमने देखा कि किस तरह हम अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।